मैं कांता पकवान कला में आपका स्वागत करती हूँ। वेलकम टू पकवान कला। आज हम बनाएंगे हरा भरा कबाब, तो चलिए बनाते हैं हरा भरा कबाब। सबसे पहले मैंने पालक की पत्तियां ली है, उनकी डंडियां मैंने हटा दी है और इस पालक को अच्छे से धोकर मैंने इसे ब्लांच कर लिया है। ब्लांच करने से पहले मैंने पानी बॉयल किया तो उसमें मैंने आधी छोटी चम्मच नमक और थोड़ी सी चीनी डाल दी थी ताकि हमारी पालक का कलर ग्रीन बना रहे, और मटर को भी मैंने हल्का सा सॉफ्ट कर लिया है। मैंने ये आधी कटोरी हरा धनिया लिया है, इसको मैंने रफली चॉप कर लिया है। 3 हरी मिर्चें ली है और 4 मैंने लहसुन की कलियां ली है। ये मैंने चने की दाल ली है और इस दाल को मैंने हल्का सा सॉफ्ट कर लिया है। वैसे जब भी हम कबाब बनाते हैं तो उसमें हम आलू डालते हैं, लेकिन आज मैं ये कबाब बनाऊंगी तो इसमें आलू नहीं डालूंगी, उसकी जगह मैं ये चने की दाल डालूंगी। इसमें चने की दाल को हम हल्का सा सॉफ्ट कर लेंगे और फिर इन सब को पीसेंगे। चने की दाल से हमारे बैटर में एक अच्छी सी बाइंडिंग आएगी, तो चलिए इन सब को हम पीस लेते हैं। अब इसमें मैं स्वाद अनुसार नमक डालूंगी। ये मैंने 1 छोटी चम्मच नमक डाला है, 1 छोटी चम्मच चाट मसाला, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच इसमें मैं गरम मसाला डालूंगी। अब इन सब को मैं दरदरा सा पीस लूंगी। तो हमारा चने की दाल, पालक और मटर का पेस्ट बनकर तैयार है। अब इसमें मैं डालूंगी आधी कटोरी ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स आप अपनी जरूरत के हिसाब से डाल सकते हैं। ब्रेड क्रम्स डालने से जो हमारे ब्रेड है वो इसका एक्स्ट्रा मॉइस्चर अब्जर्व कर लेंगे। तो अब इनको हम अच्छी तरह से मिलाएंगे। अब हम हाथ से इसका एक अच्छा सा डो बना लेंगे। ब्रेड क्रम्स भी अब हमारे इसमें अच्छे से मिक्स हो चुके हैं और हमने हाथ से इसको मसल कर इसका एक अच्छा सा डो बना लिया है। अब हम इस मिक्सचर की गोल गोल लोइयां बना लेंगे। छोटी बड़ी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैंने अपने कबाब को गोल गोल शेप दे दी है और इनमें फिलिंग करने के लिए मैंने पनीर लिया है और पनीर को मैंने अच्छे से मसल लिया है। अब इसमें मैं थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च डालूंगी और इसमें थोड़ा सा मैं नमक भी ऐड करूंगी। नमक और काली मिर्च डालने के बाद मैं इसे पनीर में अच्छे से मिक्स कर लूंगी और इस पनीर से मैं इनके अंदर फिलिंग करूंगी। मैंने अपने सारे कबाब की फिलिंग कर ली है और मेरे कबाब अब फ्राई करने के लिए तैयार हैं। उसके लिए मैंने पहले से ही एक पैन में तेल डालकर उसे गर्म कर लिया है और अब इन कबाब को मैं शैलो फ्राई करूंगी। गैस को मैंने मीडियम कर दिया है और एक एक करके इसमें मैं अपने कबाब डालूंगी। मीडियम टू लो फ्लेम पर ही इन्हें मैं फ्राई करूंगी। गैस को हमें हाई नहीं करना है। कबाब एक तरफ से सिक चुके हैं और अब मैंने इन्हें पलट दिया है। लो जी, बनकर तैयार हो गए हमारे हरे भरे टेस्टी टेस्टी कबाब। तो बनकर तैयार है हमारे पनीर की फिलिंग वाले हरे भरे कबाब। इनमें जो मैंने ये दाल मिक्स की है इसकी वजह से इनका टेस्ट काफी इनहांस हुआ है। तो आप जब ये कबाब बनाएंगे, खाएंगे, तो आप जरूर सोचेंगे काश ये रेसिपी मैंने पहले देखी होती। तो चलो कोई बात नहीं, अब आप इस तरीके से एक बार इनको जरूर बनाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।